हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गोल्स। ये वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं 29 मई 2020 के। करंट अफेयर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज के रोज करंट अफेयर्स कवर कर सके, एडिटोरियल कवर कर सके, सो दैट हमारा जो 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स का सेशन होता है वो पूरा हो सके एग्जाम के पहले। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम वील मूव ऑन टू द करंट अफेयर्स। सबसे पहला है FDI grew by 13%। तो इसके बारे में मैं कुछ डिटेल्स बताना चाहूंगी आपको। FDI मतलब क्या होता है? ओके, FDI मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली है क्या? फॉर एग्जाम्पल इंडिया के टर्म्स में लेते हैं। ठीक है, इंडिया एक कंट्री है। ओके, इंडिया एक कंट्री है एंड फॉर एग्जाम्पल यूके, यूएस, सिंगापुर, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है। ठीक है, तो इंडिया के टर्म्स में हम लोग देखेंगे, इंडियन कोई कंपनी है एबीसी। ठीक है, इंडियन कोई कंपनी है एबीसी, तो उसमें जब यूके, यूएस, सिंगापुर ऐसे बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, इन्वेस्टर्स है वो बाहर से इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन से आई हुई इन्वेस्टमेंट है तो इंडियन कंपनीज में, तो दैट इज टर्म्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें कि पहले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी पिछले साल में, तो ये 2019-20 का बोला जा रहा है, तो 2018-19 में जितना था उससे 13% ज्यादा बढ़ के 2019-20 में हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज ये है आपको ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड कि सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली इंडिया में कंपनी कौन सी कंट्री है, तो दैट इज सिंगापुर। तो सिंगापुर कंपनी का सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज 36 2020। ओके, तो 36 जो गेम्स है, नेशनल गेम्स है, वो कहाँ पे होने वाले हैं? तो वो 36 नेशनल गेम्स ऑफ 2020 ये गोवा में होने वाले थे। ठीक है, गोवा में होने वाले थे, पर इसको अभी इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया है। मतलब कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं की गई है और इसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। वैसे ही 37th जो नेशनल गेम्स है जो 2021 में होने वाले हैं, वो होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 38th जो गेम्स है वो 2022 में होने वाले हैं, वो होने वाले हैं उत्तराखंड में। और 39th जो गेम्स है 2023 में होने वाले हैं, वो होने वाले हैं मणिपुर में। ठीक है, तो आपको ये स्टेट ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया है वर्थ $177 मिलियन। और किस चीज के लिए किया ये इम्पोर्टेंट बनता है, तो वो है कि जो स्टेट हाईवेज है महाराष्ट्र में उसको डेवलप करने के लिए ये डील साइन की गई है वर्थ ₹177 मिलियन एडीबी के साथ हुए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन मनीला फिलीपींस, और इसके जो हेड है उनका नाम है मसद सुबो असकावा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इज 22nd मीटिंग ऑफ FSDC। FSDC मतलब है, FSDC का फुल फॉर्म क्या है? इट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी 22nd जो मीटिंग थी इट वॉज चेयर्ड बाय निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन इज फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड ये है कि इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है या फिर यू कैन से कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दैट इज शी इज एमपी, राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटका।
राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटका, निर्मला सीतारमन, ये राज्यसभा एमपी है कर्नाटका से। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, ये 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। जो लोग भी यूएन, यूनाइटेड नेशंस जो है उसके पीस कीपिंग में जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेते हैं, हेल्प करते हैं, जो भी वुमेन, ओके, तो उनके लिए, उनके नाम से ये डे का सेलिब्रेशन होता है 29 मई को। इस साल की जो थीम है वो है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, और 29 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। नेक्स्ट इज IWLF, IWLF का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन वेट लिफ्टर्स फेडरेशन। तो इंडियन वेट लिफ्टर्स फेडरेशन ने एस मीराबाई को वेट लिफ्टिंग, एस मीराबाई चानू को अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, नॉमिनेट किया है इंडियन वेट लिफ्टर्स एसोसिएशन। तो आपको इससे इम्पोर्टेंट, नॉमिनेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जिनको नॉमिनेट किया है, ऐसे इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज है अलग अलग क्षेत्र से, तो वो कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है, कौन से फील्ड से रिलेटेड, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एस मीराबाई चानू इज रिलेटेड विद वेट लिफ्टिंग। जब अर्जुना अवार्ड जीत जाएंगी तब आपको उनका ध्यान में रखना है, बट तब तक आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज ओलंपिक चैनल कमीशन। जो ओलंपिक चैनल कमीशन है उन्होंने अपने अपने प्रेसिडेंट के तौर पर नरेंद्र बत्रा को नॉमिनेट किया है, जो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, सॉरी, एज ए मेंबर नरेंद्र बत्रा को अपॉइंट किया है। तो नरेंद्र बत्रा क्या है, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन। इससे रिलेटेड और एक फैक्ट है, इंडियन ओलंपिक्स कमीशन का इसके हेड है थॉमस बैच, तो इन्होंने नरेंद्र बत्रा को नॉमिनेट किया है। वैसे ही इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, जो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन है जिसके हेड नरेंद्र बत्रा है, उन्होंने एनुअल ग्रांट एंड एफिलिएशन फी फॉर मेंबर्स, इसके लिए एक कमिटी फॉर्म की है। मतलब जो मेंबर्स को फी दी जाती है, ग्रांट दी जाती है एनुअल, उसके बारे में एक कमिटी फॉर्म की है उसका डिसीजन लेने के लिए। तो उन्होंने आदिल सुमरिन वाला को उस कमिटी का चेयरमैन बनाया है। तो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन है, तो नरेंद्र बत्रा है, जिनका सिलेक्शन ओलंपिक चैनल कमीशन में भी एज ए बतौर मेंबर उनका सिलेक्शन हुआ है। इंडियन ओलंपिक्स कमीशन के हेड कौन है, थॉमस बैच, और जो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, उन्होंने कमिटी फॉर्म की है, फीस जो मेंबर्स को फीस दी जाती है उससे रिलेटेड, तो उसके कमिटी के चेयरमैन आदिल सुमरिन वाला को बनाया गया है। ये एथलेटिक्स फेडरेशन के हेड है, एथलेटिक्स फेडरेशन, ये आईओ, इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन है, इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन, सॉरी नॉट इंडियन एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन है, ये इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन है, ठीक है। तो ओलंपिक चैनल कमीशन ने इंडियन एथलेटिक्स कमीशन के हेड को चुना है। नेक्स्ट इज क्रिस्टोफर मेरियक्स प्राइस। क्रिस्टोफर मेरियक्स प्राइस ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेंच ऑनर है, जो कुरैशा अब्दुल करीम जी को दिया है, कुरैशा अब्दुल करीम, क्रिस्टोफर मेरियक्स प्राइस कुरैशा अब्दुल करीम को दिया है। नेक्स्ट इज जेके रॉलिंग, एज यू ऑल नो शी इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर बुक्स, एंड उन्होंने अपनी नई बुक लॉन्च की है, उसका नाम है द इकाबॉग। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है टू इश्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स और टू इश्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू एसएमई एंड फार्मर्स, ओके, एसएमई कस्टमर्स और फार्मर्स, एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कस्टमर्स एंड फार्मर्स के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है। फेसबुक ने एक नया कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कैचअप। इंडियन आर्मीज कॉन्फ्रेंस रिसेंटली कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, इंडियन आर्मीज कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी। तो इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, तो मुकुल नरवानी जी, ओके, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।